आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, दही गुजिया सभी को बहुत पसंद होती है और दही गुजिया उड़द की दाल, दही, इमली एंड अन्य भारतीय मसालों से तैयार होती है। इसे बनाना बेहद ही आसान है, कुछ ही मिनटों में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। आइए जानें किस प्रकार से बनाएं इस गुजिया को। दही की गुजिया बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की आवश्यकता पड़ेगी, आइए इसे पहले देख लेते हैं। इसके 200 ग्राम उड़द की दाल और नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लें, 25 से 39 तक किशमिश और 1 टेबल स्पून बादाम सिल्वर, 15 काजू टुकड़ों में कटे हुए, 2 टेबल स्पून खोया, खोया को कद्दूकस कर लें और 4 टेबल स्पून तेल, यदि आप इसमें देसी घी का इस्तेमाल करें ज़्यादा अच्छा होगा, 4 कप दही, स्वादानुसार नमक, 1 कप हरी चटनी, 1 कप मीठी चटनी, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबल स्पून जीरा, 2 टेबल स्पून चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक। अब इसे इस प्रकार से बनाना है। दाल को धोकर पूरी रात के लिए भिगोकर रखें। इसके बाद दाल का पानी निकाल कर उसे पीस लें, बिना पानी मिलाए एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। एक बाउल में दाल का मिश्रण निकाल कर उसे अच्छी तरीके से हाथ से फेंटें। इस प्रकार से ये गुजिया का मिश्रण तैयार है। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें काजू, किशमिश, खोया और बादाम डालकर मिक्स करें। एक सीधी प्लेट में गीला कपड़ा बिछाएं और फिर उसमें नींबू के साइज के बराबर दाल का मिश्रण रखें। ऐसे 2.5 और 3 इंच का फ्लैट डिस्क बना लें। अब इसमें नट्स रखें और इसे फोल्ड कर दें और अब कपड़े की साइड को पलट दें। अब एक पैन या कढ़ाई में तेल गरम करें, गुजिया को दोनों तरफ से ब्राउन होने तक सेक दें। अब एक सूती कपड़ा लें और उसमें दही बांधकर उसे कुछ देर के लिए लटका दें। इस प्रकार दही का पानी जब निकल जाएगा तो उसके बाद दही को अच्छे से फेंटें और इसमें नमक मिलाएं। इसके बाद एक गहरा बर्तन लें, इसमें पानी के साथ नमक डालें। आप सभी गुजिया को पानी में भिगो दें। जब वो पानी में 15-20 मिनट तक तैरने लगे तो उन्हें बाहर निकाल लें और हल्के हाथों से दबाकर सारा पानी निचोड़ लें। अब एक सर्विस प्लेट में दही रखें, उसके ऊपर उसमें गुजिया लगाएं, उसके उपरांत उसके ऊपर फिर थोड़ा सा दही डालें। अब हरी चटनी और मीठी चटनी सब तरफ फैलाएं गुजिया के ऊपर, गुजिया दिखे नहीं। इस तरह से अपने स्वाद के हिसाब से पूरी गुजिया पे चटनी आपको लगानी है। उसके ऊपर बीच में हल्का सा सफ़ेद दही डालें। इसके बाद इस पे जीरा भुना हुआ और लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और चाट मसाला डालें। अब आपकी गुजिया तैयार है खाने के लिए। आप चाहें तो इस दही को पहले फ्रिज में रखें, ठंडा कर सकते हैं यदि आप ठंडा खाना चाहते हैं। बस इसके बाद आप खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। यदि आप पसंद करते हैं तो इस पे बारीक कटा हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक कटी ऊपर से डाल सकते हैं, चाहें तो अनारदाना भी डालें। और हम अब आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार।